हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और जो हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर डीके गोयल की बुक से कर रहे थे, लेटेस्ट एडिशन से, वहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया था। आई होप सो कि आप सभी ने वो वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं बड़े आराम से लिंक अटैच कर दूंगा, प्लीज़ आप वो देख लीजिएगा। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। और 8 नंबर क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपके लिए स्टार्ट किया है एक धमाकेदार टॉपर्स बैच सिर्फ अकाउंटेंसी के लिए, जिसकी मैंने फीस रखी है वन टाइम 1100 रुपये, जिसमें मैं आपको पूरा आपका अकाउंटेंसी कोर्स करवाऊंगा। लाइव क्लासेस होगी, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, स्टडी मटेरियल, नोट्स सब मिलेंगे। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जो बच्चे इंटरेस्टेड हों ज्वाइन करने के लिए फटाफट से ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे इंटरेस्टेड नहीं भी हों तो फ्री ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं मेरे से डाउट्स वगैरह पूछने के लिए। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल लिंक मिल जाएगा, फेसबुक आईडी मिल जाएगी, वहां जाके आप फॉलो कर सकते हैं, प्यार शो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा कि भाई दो पार्टनर थे ए एंड बी और उसका रेशियो का 3:2। सी जो है नया पार्टनर है 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ विच हाफ शेयर वाज गिफ्टेड बाय ए एंड द रिमेनिंग शेयर वॉज टेकन बाय सी इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, धमाकेदार मजेदार क्वेश्चन है एकदम। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि सर ए एंड बी तो पार्टनर है, ए एंड बी तो पार्टनर है सर, और रेशियो है इनका 3:2, और सी का जो शेयर है 1/5, 1/5 का आधा यानी कि 1/10 ये तो दिया है पहले ए ने, चलिए ओके, और रिमेनिंग जो शेयर है वो सी ने बराबर लिया है ए एंड बी से। तो देखो पहले तो ए ने 3/5 माइनस 1/10 दे दिया, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम देख लेते हैं कितना आएगा, वैसे 10 ही आना चाहिए, 10 ही आएगा, 5, 2, 3 या 6 माइनस 1 तो ये आएगा 5/10 ए का। अब सी का शेयर 1/5 था जिसमें से 1/10 तो दिया है ए ने, अब कितना बचा, 2 × 2 − 1 1/10 बचा, ये 1/10 ए और बी ने बराबर दिया है, तो 1/20 ए ने दिया और 1/20 बी ने दिया, तो ए का शेयर अब कितना बचा था, 5/10 माइनस 1/20 करेंगे तो एलसीएम लोगे 20 ही आएगा, 10 − 1 9/20 तो आएगा ए का। बी का शेयर था 2/5 जिसमें से उसने 1/20 दिया है, एलसीएम लोगे 20 आएगा, 5, 4, 2 = 8 − 1 ये आएगा 7/20, और सी का शेयर था 1/5 तो यहाँ सब जगह 20 है, तो 1/5 को अगर मुझे 20 लाना है तो 4 का मल्टीप्लाई ऊपर और 4 का मल्टीप्लाई नीचे, यानी कि न्यू रेशियो क्या आ जाएगा, 9:7:4। आंसर देख लेते हैं एक बार क्या आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8 का, 9:7:4 इसका मतलब आंसर आपका बिल्कुल सही है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9A। यहां पर आपसे कह रहा है सर दो पार्टनर हैं ए एंड बी, रेशियो है 2:1, सी ने ज्वाइन करा है फर्म, ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड बी 1/5 ऑफ हिज शेयर। ऑफ का मतलब है कि हम मल्टीप्लाई करके निकालेंगे शेयर, ऑफ लगा हुआ है, तो 9A को देख लेते हैं, ए एंड बी पार्टनर थे, रेशियो था 2:1, गॉट इट। अब ए एंड बी पार्टनर थे, रेशियो था 2:1, ए ने अपने शेयर में से 2/3 हो जाएगा, 2/3 अपने शेयर में से 1/4 दिया है तो ये आ जाएगा 2/12, और बी ने अपने शेयर में से 1/5 दिया है तो ये आ जाएगा 1/15। अब ए का शेयर कितना था, 2/3 था, जिसमें से उसने 2/12 दे दिया, ये एलसीएम लेते हैं कितना आएगा देखते हैं, 6, 2, 2 = 4, 3 = 12 आ जाएगा तो ये 3, 4, 2 = 8 − 2 तो ये आएगा आपका 6/12।
अब बी ने, बी का शेयर था 1/3 और बी ने कितना दिया 1/15। अब इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पे 15 अगर आ जाएगा तो 315, तो ये भी 15 आएगा। 3 की टेबल 15, 5 बार 5 बन जाए 5, -1, 4/15। और सी का शेयर 2/12 दिया ए ने और 1/15 दिया बी ने। ये अगर हम जोड़ेंगे, पहले इनका हम एलसीएम ले लेते हैं, 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 3 1 जा 5, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60, 5 2 जा 10, 4, 14/60। अब देखो तीनों का अलग अलग जा रहा है, ए का 6/12 है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ए का सिक्स अपॉन ट्वेल्व आ रहा है, बी का 4/15 आ रहा है और सी का आ रहा है 14/60। तो अगर एलसीएम लिया जाएगा तो 16 ही आएगा, तो 60 ये आपका 30, 16, 40, 2 से काटोगे तो 15, 8, 7, तो आंसर क्या आ जाएगा, 15:8:7। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं, 9A का 15:8:7, यानी कि आपका आंसर, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। 9B के देखते हैं, ए एंड बी पार्टनर है, रेशियो है 3:2, उन्होंने सी को एडमिट किया है, इस कंडीशन पर ए विल सेक्रीफाइस 3/20 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी एंड बी विल सेक्रीफाइस 1/20 ऑफ हिज प्रॉफिट इन फेवर ऑफ सी। वही जैसे अभी हमने किया, ए का 3/5 × 3/20 करेंगे, जो आएगा वो ए में से माइनस, ऐसे ही 2/5 × 1/20 करेंगे, जो आएगा वो बी में से माइनस, फिर दोनों को प्लस करके एलसीएम करके हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। करके देखिएगा, नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वरना मैं कर ही देता हूँ। बच्चे कहेंगे सर ऐसी क्या बात है, हम कर लेते तो हम वीडियो देखने क्यों आते, हम वीडियो देखने क्यों आते, गाना नहीं गा रहा, बच्चे भाग जाएंगे गाना सुन के। ए एंड बी पार्टनर्स हैं, रेशियो है 3:2, ए ने अपने हिस्से में से दिया है उसको 3/20, 3 3 जा 9, 25 जा 100। बी ने कितना दिया है 2/5 × 1/20, तो 2/100। तो ए का शेयर कितना था 3/5 − 9/100, एलसीएम 100 ही कितने हैं, 60 − 9 = 51/100, ये आएगा ए का। बी का हम करते हैं 2/5 − 2/100, 100 LCM 40 − 2, ये आएगा 38/100। अब यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं, 9 + 2 = 11/100, तो ए का कितना आ रहा है 51/100, बी का कितना आ रहा है 38/100 और सी का 9 + 2 = 11/100, यानी कि नया रेशियो आ जाएगा 51:38:11। आप आंसर देख सकते हैं, 51:38:11। तो आज की वीडियो में इतना ही बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9A और 9B किया। अगली वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।